गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आप सभी का डीएसएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोगों ने क्लास में खाली स्थान भरिए किया था ना? हाँ, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि खाली स्थान भरिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे खाली स्थान भरिए। कितना आसान होता है ना, आंसर उसी में दिया गया रहता है, बस सेलेक्ट करके लिखना रहता है। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट है हिंदी और क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सही शब्द चुनिए, यहाँ पे वाक्य है उसमें खाली स्थान है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से सही शब्द चुनेंगे और इस वाक्य को सही से पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने कॉपी में किया हुआ है, तो आज रिविजन वर्क में हम यही करेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर एक, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए, है ना? सही शब्द चुनना है और वाक्य पूरा करना है। ठीक है, तो कौन में लिया गया है? बांसुरी रिक्त स्थान से बनती है, तो आप सबको पता है ना बांसुरी किससे बनती है? बांस से। बांस से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि फर्नीचर बनती है, डलिया बनती है, पूजा वाली की डलिया बनती है ना? और बांसुरी भी बांस से बनती है। ये बहुत ही सुंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बजाने से बहुत ही सुंदर आवाज आती है। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा कृष्ण जी बांसुरी लिए रहते थे, उसमें से बहुत ही सुंदर आवाज आती है। ठीक है, धुन आती है। तो बांसुरी किससे बनती है? बांस से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बांस। ओके, इस खाली स्थान को बांस से भर के इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। बांसुरी बांस से बनती है। दूसरा दिया गया है ख नंबर, इसमें फूलों पर रिक्त स्थान है, बैठती है। तो फूलों पे कौन बैठती है? ज्यादातर फूलों पे तितली बैठती है ना? ऐसे तो मधुमक्खी भी बैठती है, चिड़िया भी बैठती है, लेकिन खासकर तितलियों को फूलों से बहुत लगाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तितलियां और चिड़िया। तो सही ऑप्शन है तितलियां। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फूलों पे तितलियां बैठी हैं। कौन बैठी हैं? तितलियां। तितलियों को फूलों से बहुत ही प्यार होता है। ठीक है, और वो फूलों को बहुत ध्यान से देखती हैं, फूलों पे आके बैठती हैं, और हम लोगों को भी देखने में बहुत प्यारा लगता है ना? तो फूलों पर तितलियां बैठी हैं, ये आपने इस रिक्त स्थान को पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रिक्त स्थान है कि दो सहेलियां थी। आपने अनुनासिक में पढ़ा होगा कि नूरजहां की दो सहेलियां थी। ठीक है, किसकी दो सहेलियां थी? नूरजहां की। तो सही आंसर है नूरजहां। सही उत्तर क्या है? नूरजहां। तो आप यहां से उतार कर इसको लिखेंगे, नूरजहां की दो सहेलियां। कितनी सहेलियां थी? दो सहेलियां थी। नूरजहां की दो सहेलियां थी, ये रिक्त स्थान है, इसको आपने पूरा करके इस वाक्य को पूरा कर दिया। नूरजहां की दो सहेलियां थी। फिर चौथा है, निशान रिक्त स्थान के पास बैठा था। तो निशान या तो कुएं के पास बैठेगा या तो चांद के पास बैठेगा, चांद उनसे बहुत दूर होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? कुएं के पास। तो हम क्या लिखेंगे? कुएं के पास। निशान कुएं के पास बैठा था। निशान कहां बैठा था? निशान कुएं के पास बैठा था। ठीक है, फिर पांचवा है, चारों ओर रिक्त स्थान छा गया। तो चारों ओर क्या छा गया? धुआं। धुआं ऐसा चीज होता है कि जो अचानक विचार होकर उसको अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो छाने वाला चीज क्या है? धुआं। तो इस वाक्य को पूरा करेंगे लिखकर धुआं, विचारों को धुआं छा गया। ओके, चारों ओर क्या छा गया? धुआं छा गया। अब छठा है, यह मंदिर बहुत
है, तो ऑप्शन है सुंदर है, घर है, तो घर सही ऑप्शन नहीं है, सुंदर है। मंदिर कैसा होता है? बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर, पवित्र जगह होती है जहाँ पे हमें बहुत ही शांति मिलती है। तो सही ऑप्शन है सुंदर। तो हम लिखेंगे मंदिर बहुत सुंदर, ठीक है। ये है आपका रिक्त स्थान, इसको सुंदर लिख के आप पूरा करेंगे और ये वाक्य पूरा हो जाएगा। यह मंदिर बहुत सुंदर है। फिर सेवन सातवां है, तालाब में रिक्त स्थान तैर रहा था, तो रिक्त स्थान में भरना है। सही ऑप्शन क्या है? हंस और बंदर। तो बंदर तो तैरता नहीं है, कौन तैरता है? हंस। हंस में तैरने की कला होती है, तो हम लिखेंगे हंस। तालाब में हंस तैर रहा है, तैर रहा है, तालाब में हंस तैर रहा है। ओके, ये भी वाक्य पूरा हो गया। अब आखिरी वाक्य है, पंडित जी रिक्त स्थान है बजाएंगे। तो सुबह शाम पंडित जी पूजा के बाद क्या बजाते हैं? संघ। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप लोगों ने सुना होगा, या फिर किसी भी पूजा में आप जाते हैं तो पूजा जब का एक अध्याय या पूरी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में संघ बजा के इसका उद्घोष किया जाता है, या किसी भी अच्छे काम की उद्घोष करने के लिए हम संघ बजाते हैं, ठीक है। तो पंडित जी बजाएंगे, क्या बजाएंगे? संघ। तो सही ऑप्शन है संघ। तो हम इसको संघ को यहाँ भर के ये वाक्य भी कंप्लीट करेंगे। ओके, पंडित जी संघ बजाएंगे, पंडित जी क्या बजाएंगे? संघ बजाएंगे। ओके, तो इसको बहुत सुंदर सुंदर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखकर मुझे दिखाना है, ठीक है, और अच्छे से आंसर फिलअप करना है। ओके, ठीक है, तो लिखकर दिखाइए सुंदर सुंदर। ओके, तो ठीक।